Hello students, how are you? I hope that all of you are well and good. Today I am going to discuss with you how to write a job application. So students, you know that in class 11th and 12th it is being asked ki write an application for job, hai na? You recently came across a news, a vacancy through Times of India that a science teacher is required in the ABC school in Haldwani. Okay, so how to write the application? So I will tell you the format. Okay student, let's start. The first thing you have to write your room address. Your address is given in the question. The first thing, A, B, L, your address, Mota Hardu. Mota Hardu. Okay? Mota Hardu. Or then Haldwani. Haldwani. Students, here I am writing my address. Okay, but you have to write address according to the question asked in the exam. So if you are writing the address, self address, then you have to write the name. So students, a job application class 12th or 11th ke exam mein puchi jati hai. To sabse pehle aapko apna self address likhna padega. Self address aapko aapke जो क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा वो लिखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आपको उसमें एक लाइन छोड़नी पड़ेगी और वहां पर लिखनी पड़ेगी डेट। और डेट कौन सी लिखेंगे आप? डेट जो है आप जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो, एक्चुअली यू आर टेकिंग द एग्जाम, तो दैट द डेट ऑफ दैट डे यू शुड राइट। तो आई एम राइटिंग द डेट ऑफ टुडे, तो इट इज फैक्ट 9/2021. So now keep on and get here also. Then write the name of the institution where you are applying. जहाँ आपको apply करना है, तो उसके लिए आपको जो है उस institution का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं A जिस school लिख रहा हूँ, A B C school. ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इसके बाद यहाँ पे गैप देना पड़ेगा और यहाँ पे देना पड़ेगा सब्जेक्ट भी करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ साइंस टीचर। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ साइंस टीचर, ऑफ साइंस टीचर। ठीक है सर। और स्टूडेंट्स, यू शुड गिव मार्जिन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड। आपको शुरुआत में और एंड में थोड़ा मार्जिन देना है। बिगिनिंग टू एंड मतलब कॉर्नर से कॉर्नर तक नहीं लिखना है, ठीक है? अच्छा, देन यहां पर एक लाइन छोड़नी है, यहां पर लिखना है सर। ठीक है स्टूडेंट्स, सर देन कीप ऑन एंड गेट। अब यहां पर क्या करना है, शुरुआत कैसे करनी करनी पड़ेगी आपको? आई केम टू नो थ्रू टाइम्स ऑफ इंडिया दैट देयर इज अ वैकेंसी इन योर स्कूल फॉर ए साइंस टीचर। आई केम टू नो थ्रू किचन पूछी है टाइम्स ऑफ इंडिया की ओ आई बट यू आई नो टाइम्स ऑफ इंडिया दैट देयर इज इज अ वैकेंसी ऑफ देयर इज अ वैकेंसी ऑफ अ साइंस टीचर। प्रिंसिपल भी लिखना पड़ेगा यहां पर। स्टूडेंट्स, ये लिखना जरूरी हो
offer, I want to offer my services, for the city. मैं अपनी सर्विसेज इसके लिए देना चाहता हूं, ठीक है, या चाहती हूं। अच्छा नाम आई आई इफ आई गिवन इफ इफ आई एम गिवन वन एन ऑपर्चुनिटी academic, और यहाँ पे ना students
की एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपकी आपकी जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है कि मैंने 10th ईयर से पास, आई पास 10th क्लास विद फर्स्ट डिवीजन, आई पास क्लास 12th इन फर्स्ट डिवीजन, है ना, फ्रॉम CBSE बोर्ड क्लास, ग्रेजुएशन फ्रॉम कुमाऊं यूनिवर्सिटी, है ना, और देन BEd फ्रॉम कुमाऊं यूनिवर्सिटी, है ना, विद फर्स्ट डिवीजन, तो इस तरीके से आपको किताब लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप सब मेंशन कर दोगे, फ्रॉम मैट हाई स्कूल फ्रॉम कुमाऊं CBSE बोर्ड विद फर्स्ट डिवीजन, क्लास 12th फ्रॉम CBSE बोर्ड विद फर्स्ट डिवीजन, ग्रेजुएशन फ्रॉम कुमाऊं यूनिवर्सिटी फर्स्ट डिवीजन, तो फिर इसके बाद उसका टाइम दे देना कि ईयर दिस एंड दिस। अच्छा, और क्या है यहाँ पे जो है वर्किंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस में वर्किंग एक्सपीरियंस में आप देखिए आई वर्कड एज ए TGD और 10 ईयर्स, ठीक है, और इसके बाद जो है रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि कोई प्रोमिनेंट पर्सन, कोई कभी रिनाउंड पर्सन होते हैं तो कभी फेमस होते हैं, उनसे जान पहचान के अगर आप रेफरेंस देंगे तो वो भी आजकल देखना पड़ता है। रेफरेंस through phone call also. Okay, student, thank you very much and have a good day.